हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आराध्य क्लासेस। स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको ये चैप्टर की दो मेथड बताई थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज मैं पार्ट 3 के अंदर मैं दूसरी दो मेथड आपको इधर बता रहा हूँ। बराबर, टोटल मैंने बताया था आपको कि ये चैप्टर के अंदर चार मेथड्स हैं अलग अलग, और चारों मेथड्स यहाँ पर ध्यान में रखने की, और वो चार मेथड थ्रू फाइंड करना है अपने को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज मैं आपको थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट मेथड। बराबर, क्वेश्चंस ध्यान रख लेना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल फाइंड करना है पर ये सुपर प्रॉफिट मेथड थ्रू फाइंड करना है। इधर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी हम सम की शुरुआत करेंगे तो इधर एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, वो फॉर्मेट को फॉलो करना है, ये ध्यान रखना। कंपलसरी नोटबुक के अंदर ये जो टेबल बता रहा हूँ वो टेबल सम के अंदर भी ड्रॉ करना है और फाइंड करना है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड मेथड। ठीक है, तो देखना इधर मैं लिख रहा हूँ, थर्ड मेथड के अंदर, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, सीरियल नंबर स्केल पेंसिल से ड्रॉ कर लेना नोटबुक के अंदर, पर्टिकुलर्स, एंड लास्ट में इधर आएगा अमाउंट। मैं जो स्टेप लिख रहा हूं वो स्टेप कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 स्टेप है, स्टेप लिखना हो तो भी लिख सकते हो। टोटल ये मेथड के अंदर 6 स्टेप है, छठे स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर गुडविल फाइंड करने का है। तो सबसे मेन चीज, सीरियल नंबर 1 नंबर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहला काम आपको फाइंड क्या करना है। अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के मुताबिक गुडविल फाइंड करना हो तो पहला स्टेप आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इधर देखो, ये बाइफरकेट कर देता हूं जैसे आपको पता चले, ये चार्ट जो भी बता रहा हूं ऐसे हो तो थोड़ा इधर अलग से कर देते हैं। इधर लिख देता हूं यहां पर अमाउंट, सेम फिक्स्ड यही फॉर्मेट के अंदर आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। इसी तरह से ये 6 स्टेप जो फॉलो कर रहा हूँ, जैसे ये 6 स्टेप फॉलो कर दोगे तब गुडविल फाइंड कर लोगे सुपर प्रॉफिट मेथड थ्रू। पहला स्टेप आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ हो तो कोई इश्यू नहीं है, समझ लेना, पर अगर ना दिया हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना पड़ेगा। और वो फाइंड करने की फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ये फॉर्मूला, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट एवर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, बराबर, दैट मीन्स कैपिटल, एंड द अनदर नेम ऑफ कैपिटल दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। सिमिलरली स्टेप नंबर 2, यहां पर जो आपको इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में दिया हुआ होगा, 10%, 8%, 12% कोई भी हो, वो आपको क्वेश्चन के अंदर
दिया होगा टेक्स्ट बुक के अंदर या कोई भी क्वेश्चन के अंदर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नंबर टू, स्टेप नंबर टू। देन स्टेप नंबर थ्री जिसका नाम यहां पर है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय ईआरआर, शॉर्ट फॉर्म एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बराबर फॉर्मूला देख लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट फॉर्म ईआरआर, दैट मींस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहां पर बताया हुआ है ईआरआर नंबर थ्री स्टेप। देन स्टेप नंबर फोर, इधर छह स्टेप है सुपर प्रॉफिट मेथड के मुताबिक गुडविल फाइंड करने की। यहां पर जो ये मेथड बताइए, स्टेप ध्यान रखना, कंपलसरी यही स्टेप के अंदर आपको फॉलो करना है। चौथा स्टेप आएगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेने का, आइदर यू कैन टेक सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा हो एवरी ईयर प्लस माइनस, तो सिंपल एवरेज लो जो आपको पहली मेथड बताई थी। और अगर प्रॉफिट या तो इंक्रीजिंग हो रहा हो या तो प्रॉफिट डिक्रीजिंग हो रहा हो, तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट को फॉलो कर सकते हो। बराबर, तो चौथा स्टेप एवरेज प्रॉफिट लिखा इधर, ये भी ध्यान रखना। देन स्टेप नंबर फाइव, स्टेप नंबर फाइव के अंदर आएगा सुपर प्रॉफिट, जो मेथड है हमारी। बराबर, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है तो कैसे सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फोर माइनस थ्री एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, चाहे वो एवरेज सिंपल हो तो सिंपल, वेटेड हो तो वेटेड, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फोर माइनस थ्री स्टेप नंबर फोर माइनस स्टेप नंबर थ्री, दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट आपको मिलेगा यहां पर। एंड लास्ट में जो सिक्स्थ स्टेप है जिसके थ्रू अपने को फाइंड करना है गुडविल, क्या फाइंड करना है, गुडविल। और गुडविल की फॉर्मूला है, ये जो पांचवा नंबर का स्टेप कौन सा आया, सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स लिखोगे तो भी चलेगा, या तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये मैंने आपको यहां पर टोटल छह स्टेप ये मेथड के अंदर बताए। लास्ट स्टेप गुडविल फाइंड करने का है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। बराबर, तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना, ये खास नोट डाउन कर लेना। मेथड थ्री, थर्ड नंबर की मेथड्स यहां पर है। देन फोर्थ नंबर की मेथड ये चैप्टर के अंदर मैं इधर बता रहा हूं, स्टेप ध्यान रखना, जिसका नाम है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर फोर कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर जैसे इधर टोटल छह स्टेप थे, ये जो फोर्थ नंबर की मेथड के अंदर टोटल पांच स्टेप है, और पांचवें स्टेप के अंदर आपको गुडविल यहां पर फाइंड करने का है। तो कौन से पांच स्टेप है वो भी मैं बता रहा हूं, इधर देखते जाना। नंबर वन सीरियल नंबर, या तो स्टेप लिखना हो तो लिख सकते हो। देन पर्टिकुलर्स, और लास्ट में आएगा यहां पर अमाउंट। नंबर वन सीरियल नंबर, सेम स्केल पेंसिल से ड्रॉ कर देने का है चार्ट, और उसी के अंदर ही आपको सारी वैल्यू क्या करने की है, मेजर करने की है, जितनी भी हो उतनी।
और अमाउंट का कॉलम लास्ट में आएगा यहाँ पर। इस तरह से टोटल ये फोर्थ मेथड कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल, खास ध्यान रखना है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, सिंपली यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ एवरेज देखने का क्वेश्चन के अंदर सिंपल है कि एवरेज वेटेड एवरेज। सिंपल हो तो मैंने बताया अभी भी कि प्रॉफिट फ्लक्चुएट होगा, वेटेड हो तो प्रॉफिट क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग या तो क्या आएगा डिक्रीजिंग। इसमें पांच स्टेप, नंबर वन सेम एज जो इधर था, फर्स्ट स्टेप तो सिंपल आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ब्रैकेट में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया ना हो तो क्या आएगा टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। नंबर टू, स्टेप नंबर टू क्या होगा, नंबर टू के अंदर सेम चीज बेटा ERR एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नंबर टू स्टेप। देन स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री के अंदर इधर जो स्टेप नंबर थ्री कौन सा था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो इधर नहीं आएगा, इधर जो चौथा नंबर का टॉपिक था वो इधर थर्ड नंबर का टॉपिक हो जाएगा जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट। इसमें भी दो चीज, या तो सिंपल हो तो सिंपल, वेटेड हो तो वेटेड। हेडिंग ध्यान रखना कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। देन स्टेप फोर कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, क्या फाइंड करना है अपने को कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट फॉर्मूला देख लेना खास। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला, ये जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है चाहे वो सिंपल हो कि वेटेड हो, समझ लेना इधर अपॉन ERR, एवरेज प्रॉफिट अपॉन ERR, जितना भी इधर परसेंटेज हो वो 10%, बराबर। अगर आप परसेंटेज लिखोगे तो इधर मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। सपोज एवरेज प्रॉफिट आया 50,000 रुपये, डिवाइड बाय ERR 10% लिखोगे तो इधर इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है। पर जो परसेंटेज नहीं लिख रहे हो, नीचे खाली 10 ज लिख रहे हो, 10% नहीं, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, ठीक है। वो भी फिर भी समझना पड़े तो मैं आपको सम के अंदर बताऊंगा। पर ये चौथा स्टेप और सबसे लास्ट पांचवा स्टेप जो फाइंड करना है, फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल, गुडविल की फॉर्मूला, ये जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है ये चौथा स्टेप कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको ये गुडविल, ये कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट थ्रू मिल जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये टोटल चार मेथड जो थी वो चारों चार मेथड आपको मैंने बता दी। पहली सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरी सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर फोर कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके सम की शुरुआत करूँगा जो टेक्स्ट बुक के अंदर होगी, ओके। तो ध्यान रख लेना, थैंक यू।